हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सही होंगे, अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जिस चीज़ पे बात होनी है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि किस चीज़ पे बात होनी है। और YouTube पे मेरी लास्ट वीडियो, मैं आपको पहले बता दूँ, मेरा नाम देवांशु है और मेरी लास्ट वीडियो यूट्यूब पे 2017 की डली हुई है और अब डली 2023 में। ठीक है, तो अब से थोड़ा बहुत कंटिन्यू रहने की कोशिश करेंगे, जो भी कुछ होगा दिखाएंगे आप सभी को। और बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। ये टाटा का प्रोडक्ट है, क्रोमा का, और मैं आपको दिखा दूं, टाटा प्रोडक्ट। अरे ये क्लियर क्यों नहीं कर रहा? हाँ, टाटा प्रोडक्ट क्रोमा। ठीक है, बात कर लेते हैं कितने टन का है। 1.6 टन का 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी है। ठीक है, और ये 3 स्टार है, इसकी आईसर वैल्यू 400 है। ठीक है, मैन्युफैक्चर भी जुलाई 2022 का हुआ हुआ है। ठीक है, और क्लियर दिखा दूँ आपको, क्लियर नहीं होता यार, ये बड़ी देर से होता है। ठीक है, कूलिंग कैपेसिटी 5400 वाट। ठीक है, और 50% पर आ रही है 2700। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी लेगा 1044.50 यूनिट पर ईयर। ठीक है जी, और इसकी वेट की बात कर लेते हैं। इसकी जो आउटडोर और इंडोर का ग्रॉस वेट लिखा हुआ है 13 किलो और 29 किलो, और नेट वेट है 11 किलो और 23 किलो। ठीक है, और कुछ इस तरह से दिखता है ये हमने परचेज कर लिया था, ये हमने परचेज कर लिया था परसों परचेज कर लिया था दरियागंज से, दरियागंज क्रोमा मॉल से। ठीक है, कल डिलीवरी हो गई और आज हो सकता है आज लग भी जाए, तो दिखाएंगे आपको इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह सब दिखाएंगे। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि इसकी वारंटी के बारे में बता दूं आपको। जो इसकी वारंटी है, इंडोर की 1 ईयर की है और आउटडोर की 10 ईयर की है, कंप्रेशर की। ठीक है, और इसकी पीसीबी की जो गारंटी है वो भी 1 साल की है। और इसमें एक चीज और है कि ये जो है ना, ये जो प्रोडक्ट है क्रोमा, इसमें 1 साल की गारंटी वारंटी ये है कि अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो गया, कंपनी पूरा नया का नया पीस देगी, चाहे कुछ भी दिक्कत हो 1 साल के अंदर आपको नया भी दे देगी। और अगर आपको ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो इसके बदले में आपको जो सा पसंद होगा वो भी आपको दे देगी। तो ऐसा उन्होंने हमें क्रोमा मॉल वालों ने बताया है कि इसकी 1 साल की पूरी गारंटी वारंटी है कि अगर कोई परेशानी आए, आपको कोई दिक्कत दे दे तो पूरा रिप्लेस हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। वैसे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, टाटा का ब्रांड है, क्रोमा का साथ है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर भाई इसकी पीसीबी अगर बाई चांस अगर खराब हो जाती है तो कितना खर्चा आ जाता है उसका, पीसीबी का? अगर वारंटी से बाहर तो 1200 रुपये। 12 से 14 हज़ार। अच्छा, 12,000 से 14,000। वैसे इन जहाँ तक उनने काम किया है उसमें लगी है कोई कंप्लेंट ऐसी पीसीबी की? 0.1%। 0.1%।
ये जो आउटडोर इसका एसी में गैस भी डाल लेते हो भाई। ये 3 मीटर का पाइप है, 3 मीटर का पाइप निकल चुका है, उसमें लगेगा। वहाँ चेक कर दिया है उस यहाँ पर भाई लगाएंगे। बाहर तक आगा पाइप। तो भाई ऊपर चलते हैं, ऊपर दिखाते हैं, आउटडोर लग रहा है, आउटडोर दिखाते हैं आपको। साथ कर ले, देखते हो कि बंद जाएगा, पर हवा इस तरह भी रहती है, नहीं आ रहा ना इधर। इसका मुंह इधर को हो सकता है, उधर को इधर भी नेट नहीं आ रहा है ना। अच्छा भाई ऐसा है, स्टैंड लगवा लो भाई, जो है धूप में बड़ी मेहनत कर रहा है, ये मेहनत का काम है, ऐसी तरक्की करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड करके इसको एडिट करता हूं। बिल्कुल डाल दूंगा भाई, डाल दूंगा ऑन रिकॉर्ड। या 8-10 मिनट की वीडियो ना, मैं इस पर 1 मिनट की बनाता हूं। और ये कुछ दिल्ली 6 के नजारे, नीचे चलते हैं। नीचे चल के देखते हैं, निकाल दिया ना पीछे के गत्ते इसमें। हां निकाल दिया ना। नीचे चलते हैं, अब नीचे चल के इसकी कूलिंग चेक करते हैं, मतलब एसी चलाते हैं। और गाइस अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है, आज तारीख है 18 जून 2023, और रात को व्लॉग एंड करना मैं भूल गया था। और एसी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, ठीक है। और ऑल्दो कंटिन्यू रहने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी, जो भी होगा दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, बहुत लंबा पॉज ले जाता हूँ, बड़ी अजीब विचित्र सी बात है, बड़ी जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा इसमें, है ना। तो मेरी आदत नहीं है जल्दी जल्दी बोलने की, मैं आराम से ही बोलता हूँ। इसके मैं आपको रेट और बता दूं, ये मुझे पड़ा है, इसका जो वहाँ पे MRP रेट लिखा होता, वहाँ पे लिखा होता 35,900 कुछ लिखा होता, ठीक है, ये मुझे पड़ गया 34,500 के हेर फेर का पड़ गया। तो मोटा मोटा 1,500-1,500 रुपये डिस्काउंट मिल गया एक्स्ट्रा। तो आप सभी को अगर परचेज़ करना हो ना तो डिस्काउंट मांग लेना, तो ये ठीक है, डिस्काउंट तो मांगना चाहिए हर किसी को। चलो ओके बाय।